हे गाइस, दिस इज मोहम्मद अफरोज। और दोस्तों, आज के वीडियो में जो डायग्राम हम बनाने वाले हैं वो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, या फिर आप बोल लीजिए ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। तो गाइस, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इजिली ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बना सकते हैं एग्जामिनेशन में। एंड गाइस, इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस डायग्राम से रिलेटेड जो कि बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो गाइज, अगर आप और भी टेंथ के बायो डायग्राम्स चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आई होप दोस्तों कि ये वीडियोस आपकी मदद करेगी एग्जाम प्रिपरेशन में। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, सबसे पहले हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। एंड दोस्तों, यहाँ पर मैं इस लाइन को लाइट रख रहा हूँ क्योंकि हमें बाद में इसे इरेज भी करना है। देन दोस्तों, 1.2 सेंटीमीटर स्केल से मेज़र करके उसी लाइन पर एक पॉइंट लेकर हम कुछ इस तरह से एक सर्कल बनाएंगे। एंड दोस्तों, मैं आपको ये डायग्राम स्टेप बाय स्टेप विद ऑल मेजरमेंट बता रहा हूँ ताकि आप इसे एग्ज़ाम में इजीली जल्दी से जल्दी बना सको एंड अच्छे मार्क्स ला सको। तो गाइज, आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। देन उसके बाद से अब हम इसके फेस को ड्रॉ करेंगे। तो उससे बनाने के लिए सिंपली हम कुछ इस तरह से पहले उसके नोज़ बनाएंगे। एंड देन गाइज, इसे बनाने के बाद हम उसके माउथ को भी कुछ इसी तरह से बना लेंगे। दोस्तों, उसके बाद से सिंपली जो सर्कल हमने बनाया था उसी पर ट्रेस करते हुए कुछ इस तरह से हम उसके हेड के स्ट्रक्चर को तैयार कर लेंगे। दोस्तों, अब हम बनाएंगे माउथ और ट्रेकिया। तो उसे बनाने के लिए सिंपली हम इस स्टेप्स को फॉलो करेंगे। एंड सिंपली इस मेथड से हम बड़े आसानी से ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बना सकते हैं। तो गाइज, इस तरह से हम माउथ और ट्रेकिया भी बना लेंगे। एंड इसे बनाने के बाद उसी पॉइंट से हम लोग एक 6 सेंटीमीटर पर और एक पॉइंट मार्क करेंगे। एंड देन हम लोग ड्रॉ करेंगे फूड पाइप, जिसे हम लोग ओसोफेगस भी बोलते हैं। तो गाइज, हम लोग कुछ इस तरह से सिंपली फूड पाइप को ड्रॉ कर लेंगे। एंड देन इसके बाद से हम लोग ड्रॉ करेंगे स्टोमक। तो स्टोमक को ड्रॉ करने के लिए कुछ इस तरह से सिंपली हम स्टेप्स को फॉलो करेंगे। दोस्तों, इसके बाद से हम लोग ड्रॉ करेंगे पेंक्रियाज को। तो पेंक्रियाज बनाने के लिए कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ बनाएंगे। तो गाइज, इसके बाद से हम लोग बनाएंगे लार्ज इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर। तो दोस्तों, आप सिंपली यही स्टेप फॉलो कर सकते हो और ये स्टेप फॉलो करके आप बहुत आसानी से ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बना सकते हो। तो गाइज, मैंने अपने चैनल पर बहुत सारे ऐसे ही डायग्राम बना के रखे हैं और उसके साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताया है जो बोर्ड एग्जाम्स में हर बार पूछे जाते हैं, तो आप उन्हें एक बार चेक ज़रूर करें। तो गाइज, अब हम कुछ इस तरह से लार्ज इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ हम एक छोटा सा गैप छोड़ रहे हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन को कनेक्ट करता है। देन गाइज, नीचे हम लोग कुछ इस तरह से एक स्ट्रक्चर बना देंगे। दोस्तों, उसके बाद से अब बारी आई है स्मॉल इंटेस्टाइन बनाने की। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का अगर आप स्ट्रक्चर बुक में देखें तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, इसलिए सभी को उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लेकिन आप सिंपली कुछ इस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन को ईजिली ड्रॉ कर सकते हो। देन गाइज, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाने के बाद हम लोग ऊपर में कुछ इस तरह से कुछ फोल्ड बनाएंगे। एंड देन सिंपली उसे और एक बार कुछ इस तरह से फोल्ड कर देंगे। गाइज, हम लोग नीचे में भी कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर बनाएंगे। फिर सिंपली राइट साइड में भी कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर हम लोग बना देंगे।
तो गाइस आपने देखा कि यहाँ पर कितने हम इजी तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन को ड्रॉ कर चुके हैं, तो आप इसे इजीली बना सकते हो बिना कोई टेंशन के। अब दोस्तों आउटर बॉडी का शेप बनाने के लिए पहले आप कुछ इस तरह से दो पैरेलल लाइन बना सकते हो, इससे आपको आउटर बॉडी का शेप देने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। देन गाइज आउटर बॉडी स्ट्रक्चर बनाने से पहले हमारा जो बाकी ऑर्गन्स बचा हुआ है उन्हें हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो हम यहाँ कुछ इस तरह से लीवर का स्ट्रक्चर बनाएंगे एंड देन गाइज सिंपली कुछ इस तरह से यहाँ उसे फोल्ड कर देंगे। उसके बाद से दोस्तों हम लोग यहाँ पर बाइल डक्ट एंड गॉल ब्लैडर का भी स्ट्रक्चर बना लेंगे कुछ इस तरह से। गाइज उसके बाद से हम डायफ्राम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बना लेंगे। तो गाइज अब आउटर बॉडी डायग्राम बनाने के लिए सिंपली हम नीचे कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे एंड देन गाइज फिर बीच में कुछ दूर तक ऐसे ही एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे एंड देन फिर अब हम नेक के इन दोनों लाइंस को जहां तक हमने पैरेलल लाइन बनाया था वहां तक कुछ इस तरह से लाएंगे एंड देन दोस्तों हम लोग अब इसके शोल्डर को बनाने के लिए कुछ सिंपली इस तरह से स्ट्रक्चर बना देंगे। गाइस सिमिलरली हम लोग राइट साइड में भी कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसको हम लोग पहले पैरेलल लाइन तक लाएंगे एंड देन शोल्डर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से इजीली बना देंगे। तो गाइस अब हमारा डायग्राम बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो दोस्तों अब आपको करना ये है कि बस आप जल्दी से एक कॉपी और पेन निकालिए एंड मैंने यहाँ पर कुछ सीरियल नंबर मार्क किए हुए हैं, तो आप इन सब स्ट्रक्चर का नाम अपने कॉपी में लिखिए। दोस्तों इससे होगा ये कि आपको सारे स्ट्रक्चर के नाम विथ इट्स स्पेलिंग याद हो जाएंगे एंड आप एग्ज़ाम में कम गलती करोगे। दोस्तों आप इसे लेबल करने के बाद मेरे डायग्राम से मिला सकते हो एंड देन देख सकते हो कि आपने कितनी गलतियाँ की हैं। तो गाइज अभी हमने देखा कि कैसे हम इजीली ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम बना सकते हैं, वो भी कुछ ही देर में। तो गाइज अब हम देखते हैं इस डायग्राम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो गाइज जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है वेयर डज डाइजेशन ऑफ फैट टेक्स प्लेस इन आर बॉडी। तो हाँ दोस्तों इसका आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि जो पैंक्रियाज होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है एंड दोस्तों ये कंटेन करता है ट्रिप्सिन जो कि प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करता है। तो गाइज हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है विच पैंक्रियाटिक एंजाइम इज़ इफेक्टिव इन डाइजेस्टिंग प्रोटीन। तो दोस्तों इसका आंसर मैंने अभी ही आपको बताया था कि वो ट्रिप्सिन है। तो गाइज ट्रिप्सिन पैंक्रियाटिक एंजाइम है जो कि प्रोटीन डाइजेस्ट करने में मदद करता है। तो गाइज बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की और जो है विच एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा ब्रेक्स डाउन स्टार्च। तो गाइज इसका आंसर होगा सेलेवरी अमाइलेस जो कि सलाइवा में प्रेजेंट होता है एंड दोस्तों ये सेलेवरी ग्लैंड जो माउथ में प्रेजेंट होता है उससे रिलीज होता है एंड गाइज सेलेवरी अमाइलेस कन्वर्ट करता है स्टार्च को शुगर में। तो गाइज हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मेंशन टू स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन विच एड टू द एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी। तो गाइज इसका आंसर होगा पहला तो वीली प्रेजेंट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जो कि उसके एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया को बढ़ा देता है एंड देन दूसरा लैक्टील्स वीली में प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोडक्ट ऑफ फैट डाइजेशन को रिसीव करते हैं। तो गाइज इन दोनों फीचर के वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन के पास गुड एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी होती है। तो गाइज हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक 3 मार्क्स क्वेश्चन है एंड पहले में पूछा है व्हाट इज़ द रोल ऑफ HCl इन आर स्टोमक। तो दोस्तों HCl का रोल होता है कि वो एक एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है ताकि एंजाइम पेप्सिन एक्शन में आ सके एंड दूसरा दोस्तों ये फूड को इमल्सीफाई करता है एंड हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट भी करता है हार्मफुल बैक्टीरियाज से। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो दोस्तों ये एक प्रोसेस होता है जिसमें लार्ज ग्लोब्यूल ऑफ फैट को स्मॉलर फैट ड्रॉपलेट्स में तोड़ा जाता है एंड इस प्रोसेस को हम लोग इमल्सिफिकेशन कहते हैं। तो गाइज इस क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है विच एंजाइम इनिशिएट द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। दोस्तों इसका आंसर होगा गैस्ट्रिक पेप्सिन जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है एंड वो स्टोमक में प्रेजेंट होता है तो यही सबसे पहले प्रोटीन को डाइजेस्ट करना शुरू करता है लेकिन फाइनली प्रोटीन
डाइजेस्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके। तो गाइज आप इस बात को ध्यान रखें कि जो एंजाइम प्रोटीन के डाइजेशन को इनिशिएट करता है वो है गैस्ट्रिक पेप्सिन, एंड जो फाइनली इसे डाइजेस्ट करता है वो है ट्रिप्सिन। तो दोस्तों इसी क्वेश्चन में आगे पूछा है नेम द एंजाइम प्रोड्यूस्ड बाय द सेम ग्लैंड। तो दोस्तों जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है वो और एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है जिसे हम लोग लिपासे कहते हैं, तो इसका आंसर होगा गैस्ट्रिक लिपासे। तो गाइज आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो गाइज हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, एंड ये बहुत ज़्यादा बोर्ड में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो गाइज आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। तो गाइज इस क्वेश्चन में पहला जो पार्ट है वो हमें डायग्राम बनाने बोल रहा है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, एंड उसमें 3 पार्ट्स को लोकेट करने के लिए बोल रहा है। तो गाइज आप सिंपली जैसा मैंने डायग्राम बताया वैसे ही बना के तीनों पार्ट को ईजिली लोकेट कर सकते हो। तो गाइज इस क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है स्टेट द रोल ऑफ लीवर एंड पेंक्रियाज। तो गाइज लीवर सिक्रीट करता है बाइल जूस जो कि फैट को फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करता है, एंड पेंक्रियाज सिक्रेट करता है पेंक्रियाटिक जूसेस जो कि प्रोटीन डाइजेस्टिंग में एंड स्टार्च डाइजेस्ट करने में मदद करता है। तो गाइज इस क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है विच ऑर्गन एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड। तो गाइज डाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है, लेकिन वो एक पार्टिकुलर उसके पार्ट में एब्जॉर्ब होता है जिसको हम इलियम बोलते हैं। तो गाइज इसका आंसर होगा इलियम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। देन गाइज दूसरा है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर दोस्तों लार्ज इंटेस्टाइन में टेक्स प्लेस होता है, तो इसलिए इसका आंसर होगा लार्ज इंटेस्टाइन। तो गाइज इन क्वेश्चन के अलावा ये और कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि बोर्ड एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं, तो आप इन क्वेश्चन को 1-2 बार ज़रूर पढ़ लें, और हो सके तो इसका एक नोट्स बना लें ताकि एग्ज़ाम के टाइम आप जल्दी से इसे रिवाइज़ कर सको। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस डायग्राम से रिलेटेड। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियोस के लिए, एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके जब भी हम कोई नई वीडियोस अपलोड करें। तो गाइज आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको ये एग्जामिनेशन में हेल्प कर रहा है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर इस बात को हमें बताएं। तो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, गुड बाय एंड हैव अ गुड डे।